जो उन्होंने कहा था कि प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल की जो बुकों से पूछा जाएगा, पूरे क्वेश्चन वहीं से थे, कोई जो और हटके क्वेश्चन ही नहीं। सारे सब्जेक्ट अच्छे थे? हाँ हाँ, सारे सब्जेक्ट कैसे गए? सब ठीक ठाक। हाँ, कोई टफ नहीं था? नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल पेपर काफ़ी अच्छा था। सरल पेपर था दूसरी बार भी, और उम्मीद है कि सभी को अच्छा लगा होगा। और व्यवस्था बहुत ही टाइट थी। हाँ, जो का व्यवस्थाएं थी, सारे अधिकारी हमारे यहाँ बराबर रनिंग पर थे। किसी प्रकार की अव्यवस्था कुछ आप? बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं थी, और सारी व्यवस्थाएं कॉलेज की भी अच्छी थी, और स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी सहयोग दिया, शांति बनाए रखी। और हमारे यहाँ के CDO सर और SDM सर बराबर क्लास में राउंड पे थे। उससे कोई अव्यवस्था तो नहीं हुई डिस्टर्ब में? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं। उन लोगों ने भी सहयोग किया और स्टूडेंट भी काफ़ी शांत लगे। कैसे थे स्तर, क्या था सर पेपर? सभी विषय का स्तर पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा हार्ड था मेरे हिसाब से, बाकी आसान था पेपर, कोई दिक्कत नहीं। आज UPTET की परीक्षा जनपद के 5 कॉलेजों में हो रही थी, जिसमें से एक जनता इंटर कॉलेज पटना खरगोड़ा में भी सेंटर है। उस सेंटर पर एक महिला ललिता, जो लेखपाल भी है परशुरामपुर गांव में, परशुरामपुर थाना भिनगा में, अपने ननद तथा कथित ननद, जो साधना नाम है उस ननद का, साधना के स्थान पर बैठकर के एग्ज़ाम देते हुए पकड़ी गई। इस पर इनको एग्ज़ाम देते हुए पकड़ा गया मजिस्ट्रेट द्वारा, और वहाँ से एक तहरीर मिली है। थाने पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करने के बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी।